अरे बाद में रखूंगी तब कहाँ रखूंगी वो डब्बे, उसको वो तो डेली यूज नहीं होगा। ये शंख ना शादी के टाइम मम्मी ने दिया था, सांतनु ने बोला था शादी के टाइम एक शंख खरीद के रखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, उसका थोड़ा बहुत पूजा का जो सामान था। बंगाली में शाखा पहनते हैं ना व्हाइट कलर का, रेड वाला बोलते हैं पोला और व्हाइट वाला को शाखा बोलते हैं, तो उसको इसी शंख से बनाया जाता है, वो नेचुरल होता है, वो प्रोसीजर करके बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिजाइन देगा ना कितने सारे डिजाइन, ये भी हाथ से बनाया जाता है डिजाइन, ये हमारे वहाँ पे पूजा के सामान उस टाइप का दुकान पे मिलता है। प्लेट के ऊपर रखते हैं, तो दो प्लेट है और एक संग। देखो संदेश बनाने का प्रोसीजर ये, लेकिन आज संदेश नहीं बना रहे, कुछ अलग ही बना रहे। ये ऐसा करके छेने को एकदम सुगर और जो फ्लेवर डालोगे एकदम स्मूथ, देखो लग रहा है एकदम स्मूथ होना चाहिए। ये स्वीटी ने मुझे ना एक बार बर्थडे पे या हैप्पी मदर्स डे, अच्छा यहाँ पे लिखा है देखा 2014 मुझे गिफ्ट दिया था, लेकिन उसने ही कितना गंदा किया था। ये मेरा पेंसिल बॉक्स है, लेकिन स्वीटी भी यूज़ करती है यहाँ से। बच्चे ऐसा करते हैं या आप लोग भी बचपन पे ऐसा किया है, शार्प करके यहीं पे रखना है, बहुत दिनों बाद इसको निकाला है, देखो क्यूट सा है ना ऐसा गिफ्ट। अच्छा और एक गिफ्ट दिया था, हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रही हो या नहीं, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज आ रहा है एक के बाद एक डेली बेसिस पे, ये एक स्टोरी आया है तो फॉलो करना बनता है। इसके पहले तो और भी स्टोरी अच्छा अच्छा गया, क्या खाना बन रहा है, क्या बन रहा है, यूट्यूब में जो नहीं दिखा रही हूँ या वीडियो में नहीं जा रहा है वही सारे आप लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। ये बर्थडे का गिफ्ट है, सांतनु ने मुझे दिया था, देखो मतलब आप लोग सोचते ना मैत्री को गिफ्ट क्या क्या मिल सकता है, देखो बर्थडे पे ये बहुत पुराना है, मतलब 5-6 साल पहले का होगा शायद। ये देखो खजाना कुछ है नहीं, इसमें सामान रखो, इसमें पहले मैं ज्वेलरी रखती थी, साफ सफाई चल रहा था, डस्टिंग ऐसे करके डस्टिंग करो, इसको साफ किया साबुन से धो दिया, लेकिन इससे ज़्यादा साफ नहीं हो रहा है। ये बचपन में आप लोग ने ऐसा किया है, ये इसको पहले दिखाओ, हाँ पेंसिल का पीछे चबाया है या अभी का बच्चा चबाता है, मैंने तो किया है बचपन पे जब छोटी थी, जब पेंसिल से लिखती थी वो चबाते अजीब, मतलब देखो ये सब बचपन का बचपना, बचपन क्या बोलते हैं, हाँ बचपन का बचकानी हरकतें हमारे ऐसे ही होते हैं, पेंसिल चबाना, पेन का पीछे से कभी कभार ऐसे मुंह लग जाता तब पेन का वो जो काली, क्या काली को क्या बोलते हैं, एक काली को क्या बोलते हैं, इंक, हाँ पेन का जो इंक होता है वो कैसा, स्वीटी का भी सेम हुआ है, ये हर बच्चे का होता है, पीछे से पेन का वो इंक होता है ना मुंह में लग जाता था, बॉल पेन का वो अजीब लगता था। आप लोगों का कहानियाँ सुनाना, मेरा कहानियाँ तो मैं सुनाती रहती हूँ, आप लोगों का या अभी का जो बच्चे है उनका कहानियाँ या हमारे से भी बड़े जो है उनका कहानियाँ, बचपन का कहानी सुनने में जो मज़ा आता है ना, ये घर गृहस्थी करने में उतना मज़ा नहीं आता। अभी क्या करें इसको, ये स्वीटी का है लो तुम्हारा गिफ्ट, मॉन्स्टर बना रहा है। अच्छा उसमें मॉन्स्टर बन रहा था जिसका एक ही आंखें हो रहता था ना, देखो उसमें आंखें दिखा उसका, ये देखो मॉन्स्टर का आंखें, देखो इसको बोलते हैं जॉकेट धोन, जोकर धोन। अरे बैटरी अच्छे के नहीं, गुलो किसे बैटरी, उसका चार्जर, ये और एक कैमरे का बैटरी है, ये सारे बैटरी है, काम का चार्ज की करो, फोन चार्ज की करो, और अलग चार्जर एखन लगे साइड, ये सारे स्टोरेज का है सारे, ये तो जैसा क्या बोलते हैं उसको, सुई धागा का बॉक्स, ये सारे छोटे छोटे सामान है, जैसे इसमें भी सांतनु का कुछ
स्वीटी का मेडिसिन मैक्सिमम, वो छोटे बचपन का जो मेडिसिन होता है, बच्चों का जो मेडिसिन वगैरह होता है। पुराना लैपटॉप से देखते हैं। अरे गैस करो, तुम बताओ। इसीलिए बोल रहे हैं काबुली चना भिगा हुआ, मतलब भिगोया हुआ, क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर, पार्सले, पार्सले एक हर्ब्स होता है, अगर पार्सले अगर आपको ना मिले तो कोरिएंडर यूज करना, धनिया पत्ता, मिंट अगर आपके पास फ्रेश मिंट है तो बहुत ही अच्छा है, मैं ड्राई मिंट यूज कर रही हूँ, नहीं है इसीलिए, और यहाँ पे हरी मिर्च, लहसुन, अनियन और सॉल्ट, ये सारे एक साथ दरदरा मिक्सी में पीसना है, और इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए मैदा डाल रही हूँ। शांतनु बोला तुम्हारा फेस का एक्सप्रेशन ठीक करो, टेंशन लग रहा है। अच्छा मुझे लग रहा है मेरा मूड ठीक नहीं, किसी किसी दिन आपका होता है ना मूड सुबह से उठ के बिना कारण का ही ठीक नहीं, हॉर्मोन आपके पीछे होता है ना, ये हर गर्ल्स का लाइफ का एक पार्ट है। इधर तो उसका कुछ काम नहीं कर रहा, दोपहर में सोई, मैंने आज सो गई थी, मैं अभी सो के उठ के शाम को बर्तन धोए ना, इतना सारे बर्तन धोना भी दोपहर में भूल गई थी, क्योंकि वो कंप्यूटर में काम करते करते सो गई थी, अचानक आंखें लग जाता है ना वैसे वाला, तो उसके बाद शाम को उठ के देखा इतना सारा बर्तन धोया नहीं। और हाँ आज क्या बनाया वो तो बताया नहीं, वो है फलाफल, लेकिन ये जुगाड़ू वाला ना हुमस है, हुमस बनाने के जो भी सामग्री है वो भी नहीं है, हुमस रेडीमेड भी बन सकता है वो भी नहीं है, तो हमारे जुगाड़ू टाइप का जो फलाफल होता है वही बना रही हूँ। और पैन पे ऑलिव ऑयल देख के, और इसको आप डीप फ्राई कर सकते हो, ये फलाफल डीप फ्राई होता है नॉर्मली, फलाफल नॉर्मली डीप फ्राई होता है, लेकिन मैं इस तरह से टिक्की जैसा बना रही हूँ, और फलाफल करोगे डीप फ्राई करोगे तो राउंड जैसा ऐसा ऐसा बॉल करके आपको जस्ट डीप फ्राई करना है तेल पे, बहुत ऑसम लगता है। लेकिन देखो डीप फ्राई अभी मतलब लॉकडाउन में डीप फ्राई तेल नष्ट करना और ऑयल भी खाना हो जाएगा। मैं मेयोनीज यूज कर रही हूँ, और इसको डीप फ्राई करोगे तो ऑसम खाने लगता है, लेकिन ये टिक्की हिसाब से भी बहुत अच्छा लगता है। मिडिल ईस्ट का खाना है ये फलाफल, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये जो होता है ना मैंने वो गोल गोल होता है मैं और डीप फ्राई होता है और कुड़मुड़ा टाइप का होता है बाहर, लेकिन मैंने उसको टिक्की बना दिया। अभी देखो कम तेल में बनाने जाऊंगी तो मतलब टिक्की बनेगा ना, अभी डीप फ्राई करूंगी तो तेल भी खर्चा होगा ज्यादा। ये ऐसे ही खाने में चटनी के साथ ऑसम लगता है, मतलब एज ए स्नैक्स आप बैठ बैठ के चाय के साथ खा सकते हो, बहुत यम्मी, बहुत ही यम्मी, इसका जो फ्लेवर है ना ऑसम लगता है। डीप फ्राई करोगे तो इससे भी ऑसम बनेगा। मैं फैब इंडिया का पुदीना वाला चाट मसाला दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने नेचुरल मेयोनीज लिया, आप घर पे भी मेयोनीज बना सकते हो। अभी देखो मेयोनीज तो हर जगह पे मेरे पास थोड़ा सा था, ये लास्ट खत्म हो गया, डब्बा खत्म, देखो निकाल लिया हमने हाथ से ऐसे करके, मेरा ये एक्सपायर होने वाला था, डब्बा खत्म, मतलब ये मैं ये वाला नेचुरल मेयो यूज करती हूँ। हाँ ये अगर मेयोनीज नहीं है तो हंग कर जो दही होता है ना, दही को आप हंग करके रखो मलमल के कपड़े में, और वो दही मतलब थोड़ा खट्टा कम होना चाहिए, उसको फेंट लो थोड़ा सा स्मूथ जैसा, उसमें जो फ्लेवर डाल रहे हो वैसा करके बनाना, बहुत यम्मी बनता है। सॉस के डब्बे में पानी मिलावट कौन करता है, मैं तो करती हूँ, और कौन फ्रेंड करता है देखते हैं कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा, मैं तो करती हूँ। इसमें भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा पानी डाल के निकाल लो, साथ में चिल्ला रहा है। अगर पुदीना चाट मसाला नहीं है तो नॉर्मल जो चाट मसाला आपके पास है वो डालना, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, और इसमें स्लाइस अनियन और क्यूकम्बर लंबा लंबा काट लिया, और गाजर को भी पतला पतला काट लिया, जैसे सैलेड बनाते हैं ना उस तरह से। अगर मेयोनीज नहीं है तो दही जरूर यूज करना, ऑसम लगता है दही में भी, मैं नॉर्मली दही में बनाती हूँ, लेकिन आज मेयोनीज था तो इसलिए मेयोनीज में बना दिया। जुगाड़ू अभी देखो लॉकडाउन वाला रेसिपीज है, प्रॉपर रेसिपीज एकदम नहीं बनेगा जब, क्योंकि ये डीप फ्राई होता है नॉर्मली गोल गोल करके, डीप फ्राई तो ऑसम लगता है, ऑब्वियसली कोई भी डीप फ्राई ऑसम लगता है, उसके ऊपर हुमस और उसके ऊपर हुमस नहीं है तो मैंने मेयोनीज था, कभी कभार दही बनाती हूँ, अभी जैसा जिनका है सैलेड बना लो, या तो कभी कभार केचप के साथ भी अच्छा। ये पीटा ब्रेड ना होल व्हीट है इसीलिए
टूटने के चांसेस है। अगर आपके पास ब्रेड है तो वो यूज करना, या तो रोटी, रोटी के अंदर जो सलाद बनाया था वो, या तो पीटा ब्रेड या तो ब्रेड के ऊपर रोटी के अंदर रोल हिसाब से बच्चों को बना के दो, खाएगा तो ज़रूर। दही रहेगा, वेजिटेबल्स रहेगा तो भी खाएगा। और ये एक एक दो जितना डालोगे और ऐसा करके खा लो। और ब्रेड के ऊपर कैसे बनाओगे, देखो ब्रेड लिया, उसके ऊपर सैलेड लिया, अभी रोटी, रोटी आप अंदाज़ा लगा लो कैसे हो सकता है रोटी के ऊपर। नॉर्मली ये मैं दही के साथ ही बनाती हूँ, क्योंकि मेयोनीज उतना ज़्यादा खाना भी नहीं होता है ना, कभी कभार ठीक है। और इसके अंदर एक तो नहीं, और एक हाफ हाफ तोड़ के डालना पड़ेगा। अरे ऐसा, हाँ ऐसा खाओ, या तो उसके ऊपर और एक लेयर डाल, ऐसा वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऑसम बना है ये घर पे। ये आप ऐसे टिक्की, मतलब कोई अगर इतना सारा कुछ नहीं बनाना चाहता, टिक्की हिसाब से चाय के साथ गर्मा गर्म बहुत अच्छा लग रहा था सुबह में ब्रेकफास्ट के साथ। और ये वाटरमेलन जूस, लेकिन थोड़ा सा ठंडा होता ना तो अच्छा लगता है। ये वाटरमेलन फ्रिज में डालना भूल गई, और फ्रिज में तो बर्फ है नहीं, बर्फ की जगह पानी है, मतलब वाटरमेलन जूस थोड़ा सा ठंडा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है ये तो, सच में बच्चों को बहुत पसंद आएगा, घर पे जरूर ट्राई करना, मस्ट मस्ट। कुछ अरे ये दो कप ना अटक गया, अरे कितना पूछे ना। हेलो, ना ये तो बेकार रह गया, हां हो गया। अरे चलो, मैं शाम से कोशिश कर रही हूं, एक बार सोचा पता नहीं अभी थोड़ा सा ऐसा ऐसा कर दिया, जोर से ये किया था क्या, उसके ऊपर में और भी कुछ रख दिया था वो शायद ऐसा, लेकिन नॉर्मली नहीं, नॉर्मली वो तो रहता है ऊपर में वैसे। हां ये ऐसा ही तो रहता है, इसके ऊपर कुछ तो गिरा होगा, कुछ तो रहा होगा, वो अगर रहता ना बास्केट के अंदर थोड़ा। अभी इसको देख के एक कर्व है, आप में से एक फ्रेंड का कमेंट याद आया, उसका भी दो कप या ऐसा कुछ बहुत पहले पूछा था, मैंने गर्म पानी भी दिया तो भी नहीं निकल रहा था, मैंने उनको सजेशन दिया आप थोड़ा तेल लगा, तेल दे के देखो, क्योंकि नॉर्मली गर्म पानी से उठ जाता है, तो मतलब सच में जैसा होने से क्या क्या करना पड़ेगा बताना। तो इसको तो ठोक भी नहीं सकते, इसको अलग अलग रखूंगी। Going back to my old hometown, picking up the years I leave behind, getting in my car, I drive as memories fly by. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We sing Jana Gana Mana, standing side by side, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. सुनाई दिया, मॉर्निंग में सुबह सुबह ही आज पागल हो चुकी है, एक बार कहकर ब्रेक ले रही है, उसका स्कूल का भी तो चल रहा है, वही बीच बीच में वही कर रही है। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे, और आज सुबह से उठ के थका, आज फ्राइडे है, पता नहीं चला फ्राइडे है सैटरडे है संडे, कुछ भी तो पता नहीं चला। आज मेरा फेस देख के भी थका लग रहा है थोड़ा, अभी एक्चुअली एक्सरसाइज किया ना तो थोड़ा फेस देख ना लाल लाल टाइप का हो जाता है। कल जो मैंने भगवान का कपड़ा चेंज किया ना, वो हाथ से धो लिया था तो सूख गया। ये कपड़ा बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने भुलेश्वर वहाँ से खरीदा था, ये बॉर्डर बहुत खूबसूरत है, देखो बॉर्डर कितना सुंदर है ना, तो इसीलिए उसको बाहर से लेके आई, मैं बोला फोड़ करके रख दूंगी। ये ना डब्बा ना मेरा लाइफ का सबसे मतलब कीमती डब्बा होगा, क्योंकि इसमें जो आया है ना, आप लोग भी देख के लगेगा मैत्री दोबारा लिए, ये जरूरी था, और किसी किसी को लगेगा काश मुझे ये मिल जाता, किसी के पास रहेगा भी, बाप रे शायद शादी में भी इतना गिफ्ट मिला था, या जो भी गिफ्ट मिला है या जो भी सामान खरीदा है, इतना खुशी कभी नहीं हुआ। क्यों दिखाते हैं, दिखने के बाद आपको भी लगेगा, ये बहुत एक मूल्यवान चीज है, सोचो मतलब देखते अच्छा पता चल गया होगा आपको। Oh my God, इसके लिए वेट कर रही थी, है मॉप, मॉप की जरूरत बहुत दिनों से था, किसी किसी फ्रेंड ने बोला था मैत्री मॉप ले लो, अभी मॉप के लिए मैंने मेरा दो दो एक मॉप रिटर्न चला गया, वो और अच्छा वाला था थोड़ा सा, अभी जो मिला देखो होता है ना इस टाइम पे, जो सामान आपको मिल रहा है मिल ले दो। अच्छा इसके साथ डंडा आता है, मैंने कभी ये सामान ना रखने के चक्कर में मैंने खरीदा नहीं था, क्योंकि है इतना बड़ा सा बकेट, इसको जोड़ना पड़ेगा। ये है गला का ना, गला का मॉप, एक एक्स्ट्रा है और एक तो मिला है, ये मैंने अमेजोन से खरीदा था, किस चीज का है ये सबको पता है क्या है, लेकिन टंडा भी अच्छा था, वो उतना खराब भी नहीं हुआ था, लेकिन वो झुक के उसको निचोड़ना पड़ता था पानी, सबसे खतरनाक मुझे पोछा लगाने के बाद मेरा कमर ना अकड़ जाता था।
एक डंडा ऐसा करके, ये देखो देखा, स्क्रू जैसा है उसके अंदर लगाना है। आपके पास कौन सा कलर? मुझे ना और एक दिया था, ये जो है ना ये स्टील का था, वो वाला मेरा रिटर्न चला गया, वो वाला अच्छा था क्योंकि ये परमानेंट चीज है ना। लेकिन इतना बड़ा सामान आप लोग कहाँ रखते हो? किसी के घर पे है तो बताना तो जरूर, कहाँ पे रखते हो? इसी चक्कर में मैंने खरीदा नहीं था इतना, मतलब जरूरत नहीं पड़ता था, और जब भी जरूरत पड़ता तो वो डंडा है ना। यहाँ पे एक लॉक जैसा है, लॉक लगाओगे तो डंडा लंबा, और लॉक बंद कर दोगे तो डंडा छोटा, ऐसा करके पहले यूज तो करे तभी पता चलेगा अच्छा है या कैसा है। अरे इंडियन माइंडसेट होता है, सब डब्बा टब्बा सब रखो। अरे बाद में रखूंगी तब कहाँ रखूंगी वो डब्बा, उसको वो तो डेली यूज नहीं होगा। जब सुनीता या मंदा आएगी तब तो वो ज्यादा डेली यूज नहीं होगा ना। अभी मैं अगर मॉपिंग ही कर लूंगी तो उनका भी सब रखो, पॉलीथिन उसके अंदर का पॉलीथिन वॉलीथिन सब रखना है। ये पहले पानी में डिप करके उसको अच्छी तरह से धो लो। देखो टेक्निकल मैत्री जी अभी इसका डेमो दिखा रहे हैं। इसका डेमो सबको पता है, मैं पहली बार यूज कर रही हूँ, वो अलग है। कैमरा घुसेड़ दूँ अंदर, इसमें मजा आ रहा है, मजेदार चीज है रियली। हाँ अभी मैत्री दिन में दो बार घर पोछा लगाएगी ना मैत्री, अभी लगा सकते। पहले थोड़ा सा झुकने में तकलीफ होता था, और स्पिन करना हो गया, इसको लॉक करो ये। लेकिन ये कोई कंपनी का कोई डेमो नहीं है, मैंने खुद खरीदा है। बाबा इसके लिए कब से वेट कर रही थी, ये देखो कितना बड़ा जगह कवर करेगा, सचमुच ये बहुत अच्छा है। और थोड़ा बड़ा अगर किसी का बड़ा पूरा घर के लिए एक ही बना लेता तभी अच्छा होता। अरे किसी के पास नहीं है तो जरूर खरीदना, मैं तो रेकमेंड करूंगी सचमुच। अभी स्वीटी वेट कर रही है, उसको कब करने देना है तब कर लेना। बहुत मूल्यवान चीज, लेकिन उससे काफी बेटर। वीडियो एडिट भी हो गया, अभी वीडियो अभी जाएगा लाइव, तो मतलब एक घंटे में जाएगा। मैं एक घंटे पहले बात कर रही हूँ, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत लाइव जैसे ही फील हो रहा है। देखो तो वीडियो किसी भी रीजन पर अच्छा लगा लाइक जरूर करना। अभी मिलेंगे कल का और एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। इट्स गेटिंग क्लोजर टू मिडनाइट। उसको हटाओ पहले, लाल वाला हटा तब अच्छा लगे, तब तो समझ में आएगा। मोहित ज्वेलरी कलेक्शन।